Assalamualaikum. Welcome back to Meena Kitchen Routine. Hope everybody is doing fine. Today we are making traditional Sarson ka Saag. Authentic recipe. I do try this recipe. My mother's special recipe. इसमें हमने साग और बाथू दोनों का यूज़ किया है. बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और विंटर के लिए तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये. सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें पोस्ट करके. इसमें साग हमने 3 kg लिया और बाथू हमने 1 kg लिया. सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया, देखें. फिर अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया और इसको पकने के लिए हम रख देंगे. काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसको हम साथ साथ कट करते जा रहे थे वॉश करके, तो इसको हम पकने के लिए रख रहे थे. ये हमने बाथू भी ले लिए, बाथू भी हमने कट कर लिया. इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है. ये देखिए साग हमारा पक रहा है. इसमें हम अब ग्रीन चिलीज डालेंगे काफ़ी सारी, क्योंकि इस पर हम दूसरी मिर्चें कम डालेंगे इसलिए हमने ग्रीन चिलीज ज़्यादा ली है. अब इसमें हम सॉल्ट डाला है और रेड चिली डाली है. पाउडर भी डाल सकते हैं और फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. ये हमारा साग पक रहा है. अब इस पर हम बाथू भी डाल देंगे. ये देखिए ऐड कर रहे हैं. इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे. जब अच्छे से गल जाएगा तो इसको हम ये देखिए ठंडा थोड़ा सा करेंगे और इसमें हम आटा डालेंगे. ब्लेंडर में डालेंगे पहले आटा. अब ये देखिए साग डाल रहे हैं, थोड़ा सा साथ आटा डाल देंगे ताकि वो इसके साथ ही ग्राइंड हो जाए. अब इसको हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता, तो हम इसको ब्लेंडर से कर रहे हैं. इसको हम ग्राइंड कर लेंगे. ये देखिए फाइन बन गया. ज़्यादा हमने फाइन पेस्ट नहीं किया, बस हल्का सा ब्लेंडर हमने चलाया. अब इसका हम तड़का बना लेंगे. सबसे पहले हमने देसी घी लिया, उसमें हमने गार्लिक डाला. अब इसमें हमने जिंजर लिया, जिंजर को भी हमने फाइन सा पेस्ट कर लिया. गार्लिक को हमने स्लाइसेस में किया और जिंजर का हमने फाइन पेस्ट लिया. कद्दूकस से हमने कर लिया था. अच्छा सा इसको हम कलर देंगे और सबसे पहले गार्लिक को थोड़ा सा कलर दे देना क्योंकि बाद में फिर जिंजर की वजह से उसमें कलर नहीं आएगा. देखिए अच्छे से हमारा कुक हो रहा है साग. ये तड़का हम अपने साग में डालेंगे. बहुत ज़बरदस्त हमारा साग बना. देखिए हमने तड़का ऐड कर दिया. आप इसको तड़के के बगैर भी फ्रीज करके रख सकते हैं, फिर जब आपने गर्म करना फिर उस पर एक्स्ट्रा तड़का लगा दें. ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा साग रेडी हो गया. जितना आपको खाना है आप सिर्फ उतने पे तड़का लगा लें, देसी घी का मक्खन डाल लें जो आपको पसंद हो. हमने देसी घी ऊपर से दोबारा डाला. देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर, कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त और मलाई के जैसा बना है. डू ट्राई दिस रेसिपी. बहुत इजी और बहुत यानी कि आप आसानी से बना सकते हैं ये रेसिपी. ये कोई मुश्किल नहीं है. सबको, घर वालों को बहुत पसंद आएगी. मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. विंटर की स्पेशल रेसिपी है. विंटर में तो साग बनता ही बनता है, हर घर में बनता है. देखिए कितनी ज़बरदस्त घी डाला एक्स्ट्रा. देखिए हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं ग्राइंड किया. ये देखिए देसी घी में तो आप रोटी के साथ खाएं, ज़बरदस्त.
देखिए जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बनती है। ओके जी।